क्या हो कोर्ट में, जरा कुछ बताइए आपको। जी आज ASG साहब ने उनका आर्ग्यूमेंट कल जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहाँ से वापस चालू किया और आगे बढ़ते हुए उन्होंने बहुत सारे जजमेंट्स दिए, साइटेशंस दिए, जिसके ऊपर से उनका यही कहना है कि ये पूरा एक कॉन्स्पिरसी का हिस्सा है। ये जो सारे अक्यूज जो अरेस्ट हुए हैं वो एक बड़ी कॉन्स्पिरसी है, इंटरनेशनल रैकेट है, जिसके ऊपर उन्होंने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है कि इनका बेल रिजेक्ट कर दिया जाए। उसके ऊपर फिर अक्यूज्ड की तरफ से हम लोग ने, अमित देसाई सर ने बहुत बड़ा एक रिबटल किया, जिसमें अमित देसाई सर ने ऐसे कहा है बहुत सारे जजमेंट साइट करते हुए कि ये एक कॉन्स्पिरसी ना होते हुए सिर्फ ये एक स्मॉल क्वांटिटी का रिकवरी है। अरबाज और आर्यन का जो रिलेशन है वो बाकी के को अक्यूज से कुछ भी रिलेशन ना होते हुए ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंट रिकवरी है, जिसकी सज़ा जो है कंजम्पशन के लिए वो सिर्फ 6 महीने की है। और हमारा इतना ही कहना है कि प्रोसिक्यूशन के केस के हिसाब से भी आज तक उन्होंने सिर्फ हमें 27 यानी 27 सेक्शन के अंडर ऑफेंस हमारा बताया गया है जो कंजम्पशन का ऑफेंस है। जो ऑपोजिशन के लॉयर है वो बोल रहे कि अगर बेल मिलेगा तो सबूत क्या छेड़छाड़ होगी, तो ये दलील के ऊपर आप क्या कहेंगे? जी वो उनका एक ऐसा मैं कहूँगा कि वो उनका एक एप्रीहेंशन है, उनको ऐसा लगता है कि छेड़छाड़ी होगी, लेकिन ये केस में जो रिकवरी होनी थी वो रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है। जिसके पास से एलिजेडली माल हम जो कॉन्ट्राबैंड था वो जो लिया था ऐसा प्रोसिक्यूशन का कहना है, वो भी उनके रिमांड रिपोर्ट के हिसाब से नाम सारे पता चल गए हैं और उनको अरेस्ट भी कर दिया गया है, उनके मोबाइल फ़ोन भी वो लोग ने सीज कर लिए हैं। तो अभी ये केस में छेड़छाड़ी के लिए कोई भी ऑप्शन बचा नहीं है। तो अगर हम लोग मान भी ले कि आर्यन खान को या अरबाज मर्चेंट को छेड़छाड़ी करनी है तो भी उनके लिए छेड़छाड़ी करने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। इसके लिए ये केस में अभी बेल के लिए कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि बेल में इतनी देरी क्यों हो रही है? बेल में इतनी देरी इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारे तरफ से और ASG के तरफ से जो भी आर्ग्यूमेंट था कोर्ट ने बहुत पेशेंटली सुन लिया है और उन्होंने सारे जजमेंट्स उनके रिकॉर्ड पे ले लिए हैं। इसके लिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसमें देरी हो रही है, इसमें कोर्ट अपने पूरी डिस्क्रिशन यूज़ करके सारे जजमेंट्स पढ़ के और उसके ऊपर अपना एक व्यू लेके फैक्ट्स के साथ रिलेट करके एक बड़ा ऑर्डर देंगे। 20 तारीख को क्या होने वाला है? जी 20 तारीख को हमारे हिसाब से कोर्ट पूरी कोशिश करेंगे, कोर्ट ने भी हमें दिलासा दिया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि एक डिटेल्ड ऑर्डर हमें मिल जाए। और हमारा ऐसा ही पहले दिन से होप है कि हम लोग को बेल मिल जाएगी। सर वो व्हाट्सएप चैटिंग का बार बार जिक्र कर रहे हो आपके बेल पे, वो इसका क्या? जी व्हाट्सएप चैट्स के बारे में अमित देसाई सर ने एक खुलासा कर दिया है कि वो जो एलेज व्हाट्सएप चैट्स कर रहे हैं कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग या इंटरनेशनल रैकेट से जुड़ा हुआ है वो सब झूठ होते हुए वो सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक परिणाम है। जो इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने जो यूज़ किया है कॉन्वर्सेशन में, ऐसा इंस्ट्रक्शंस में अमित देसाई सर ने कहा है कि जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया है वो ऑर्थोडॉक्स इंग्लिश लैंग्वेज ना होते हुए वो एक मॉडर्न तरह का इंग्लिश लैंग्वेज है जो थोड़ा सा ऑफेंसिव लग सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसका और ड्रग ट्रैफिकिंग का कोई भी कनेक्शन है। तो इसके लिए वो व्हाट्सएप चैट जो कहे जा रहे हैं उसका और ड्रग ट्रैफिकिंग का कोई भी कनेक्शन नहीं है। Thank you.